कि आज हमारा संविधान खतरे में है, आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली के अंदर एक धारा 144 लागू हुआ है, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लिया गया है। 15,000 पाउंड हर व्यक्ति को देना होगा और इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में और जितनी भी कंट्री को मिला है उसका हवाला देते हुए उनसे हम पैसा लेंगे। हम सभी को समान रूप से आज न्याय की जरूरत है, तो न्याय और सुरक्षा भी का अधिकार भी हम लोग देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। जमुना के किनारे फिल्म सिटी, व्यापार हब, प्रोफेशनल हब, रेडी पटरी हब और मनोरंजन केंद्र खोलवाएंगे और सभी बेरोजगारों को रोजगार, बेघर को घर और बेसहारा को सहारा देंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एक समान हो, 24 घंटा बिजली हो, जल हो, स्वच्छता हो, सफाई हो और परिवहन भी 3 शिफ्ट में हो। जिस तरह से किसानों को टोका जा रहा है, जिस तरह से आंदोलन को टोका जा रहा है, उसके भी हम लोग जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और चुनाव निष्पक्ष हो उसके लिए हम ईवीएम को बंद कर करके अब बैलेट की मांग कर रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए उनकी परिनिर्वाण दिवस है, मृत्यु दिवस है, और एक ऐसे नेता का जिसे हमें आज दलित शोषित और पिछड़ों की ज़रूरत भी आन पड़ी है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज 9 रत्नों का मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा था जंतर मंतर पे, जिसमें गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे बाबा साहब अंबेडकर जो भारत रत्न रहे, हमारे जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने पूरा एक जन आंदोलन चला करके एक पूरी व्यवस्था को बदलाव किया था, हमारे कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला, आज परिनिर्वाण दिवस है, आज हमारे महात्मा फूले और काशीराम जिनकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उसकी भागीदारी की बात करने वाले, और सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नायक रहे हैं क्रांतिकारी का, और हमारे साउथ के करुणानिधि जो जस्टिस की बात किया और आज उसी जस्टिस पे उनके बेटा स्टालिन राज कर रहा है। तो इन तमाम लोगों को आज ज़रूरत इस बात के लिए आ गया कि आज हमारा संविधान खतरे में है, आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और एन के एन प्रकार तरीके से, बल्कि ये कहें कि अघोषित हमारे के यहाँ जो है ये एक इमरजेंसी लगा दिया गया है कि दिल्ली के अंदर एक धारा 144 लागू हुआ है, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लिया गया है, और जो सत्ता पक्ष है और जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से अपनी प्रचार कर रही है। जो संवैधानिक पद पे बैठा है, जिनको राजकाज देखना चाहिए था, राजधर्म निभाना चाहिए था, आज वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की प्रचार प्रसार में लगा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे सूरत में जो आज हमें जिन नायकों की ज़रूरत है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना था, लेकिन मुझे रोका गया जंतर मंतर पे, और ये कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे। लेकिन मैंने इसी मुद्दे पे आज के ही दिन में दिल्ली के अंदर जो 7 लोकसभा का चुनाव का क्षेत्र है सांसद का, उस पे हमने आपको घोषित करना था कि हमारे 7 उम्मीदवार तैयार हैं, जो हम अहरा नेशनल पार्टी और आम जनता पार्टी इंडिया दो मिलकर करके लड़ने जा रहे हैं। उसमें नई दिल्ली से हरिभाई पटेल, जेडी बख्शी साहब और साक्षी मलिक 3 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक को हम लोग फाइनल करके उनको टिकट देंगे और वो नॉमिनेशन कराएंगे। चांदनी चौक से अब्दुल कलाम आज़ाद एडवोकेट हाईकोर्ट के हैं और जुगल चावला हैं, उनमें से एक को फाइनल करके हम लोग टिकट देने जा रहे हैं। और दक्षिणी दिल्ली से डॉक्टर अनिल हैं, जो एक कॉरपोरेटर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, 30 साल से कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके अब उन्होंने जो है अहरा नेशनल पार्टी का दामन छाम पकड़ा है, और उन्हें हम लोग जो है टिकट देने जा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली से। पश्चिमी दिल्ली से सरदार चरणजीत सिंह को हम लोग जो है, जिसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, हम उनको जो है उतारने जा रहे हैं। और पूर्वी दिल्ली से मैं स्वयं डॉक्टर एमी दुआ हूँ, जिसका चुनाव चिन्ह चकला बैनर है, अहरा नेशनल पार्टी से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और हो सकता है कि किसी और भी क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ूँ, यानी 2 जगह से मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करूँगा। पूर्वी उत्तर पूर्वी दिल्ली से यह आयुष्मान भारत को हम लोग टिकट दे रहे हैं, और दूसरी कविता भी है, लेकिन आयुष्मान भारत को हम लोगों ने कमिटमेंट कर दिया है, उनको हम लोग टिकट देने जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हमारे पहले भारत की कैप्टन जो एयरलाइंस की रही, वो है कैप्टन रमा आर्या, उनको हम लोग टिकट दे रहे हैं, जो अहरा नेशनल पार्टी से चकला बेलन पे लड़ेंगी। तो इस तरह से हमारे 7 उम्मीदवार का घोषणा किया है। जल्द ही भारत के तमाम
हिस्सों से अहरा नेशनल पार्टी 200 कैंडिडेट उतारने जा रही है, और हमारा जो दूसरा पार्टी है वो आम जनता पार्टी इंडिया, वो भी 200, तो यानी 400 के करीब हो जाएंगे। बाकी 143 की और हम लोग तलाश कर रहे हैं कि नया युवा और वगैरह लोग आएँ, और हम लोग 543 पे लड़ने जा रहे हैं। और इसलिए लड़ने जा रहे हैं कि जितनी भी पार्टियाँ हैं वो पार्टियाँ नहीं हैं, वो एक व्यक्ति विशेष हो गया है। आज बीजेपी पार्टी नहीं है, वहाँ मोदी जी हैं, मोदी जी की पार्टी है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, वहाँ राहुल और सोनिया गांधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कोई नहीं है, अखिलेश पार्टी है। आज हमारा मायावती है तो वहाँ पे जो है मायावती पार्टी है, और जो है बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, जनता दल नहीं है, वहाँ पे वो जो है तेजस्वी है। और इसी तरह से ममता बनर्जी, स्टालिन और जो बाकी लोग हैं वो सब इंडिविजुअल, अगर 15-20 को देखें तो 15-20 का गैंग है जो ये तमाम देश को 76 सालों से लूट रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। तो हम लोगों ने 5 राष्ट्रीय मुद्दा लेकर के हम लोग आ रहे हैं, जिसको आज हमें जंतर मंतर से घोषणा करना था, लेकिन हम पीसी करके ये घोषणा कर रहे हैं कि हम यानी अहरा नेशनल पार्टी और आम जनता पार्टी, ये दो मिलकर के, और एक दो पार्टी होंगी जिसके अलायंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस पे हम 5 राष्ट्रीय एजेंडा ले रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार से 15,000 पाउंड हर भारतीयों को देंगे, और वो कहाँ से देंगे और क्यों देंगे ये भी जान लीजिए। क्योंकि जब देश आज़ाद 1947 में हुआ तो केन्या को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को ब्रिटिश सरकार ने मुआवजा दिया, भारत को, भारत और पाकिस्तान को और बांग्लादेश में जो बैठे हैं, जो आज़ादी दिया, जो 99 साल के नहीं, तो हमारा मुआवजा कहाँ गया? हम मुआवजा लेंगे, 15,000 पाउंड हर व्यक्ति को देना होगा, और इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में और जितनी भी कंट्री को मिला है उसका हवाला देते हुए उनसे हम पैसा लेंगे। आज हमारा भारत सरकार जो सत्ता में है वो कहता काला धन लाएंगे, हम 5 ट्रिलियन का जो है आर्थिक ये कर देंगे, जबकि 10,000 ट्रिलियन आपका जो है बहुत सारे मेहन मुस्की ये वो सारे जितने बिजनेसमैन हैं 20 लोग, उन लोगों ने लेके भाग गए। तो अगर वही आ जाता तो हमारा सारा का सारा आर्थिक स्थिति ठीक हो जाता। इसलिए ये ब्रिटिश का 15,000 पाउंड हम जनता को दिलाएंगे। और दूसरा है कि सभी जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको सुविधा से सज्जित घर हम जो है उनको आवास देंगे, और साथ में सभी जितने भी बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार देंगे, सभी को बताइए सर। आवास में 10 लाख का, 10 लाख का यह है, और साथ में हम बना बना मकान देंगे जिसमें वो रह सके। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जो है जुमलाबाजी कर दें और उनको घर ना मिले, या वो हो तो उनको हम उस तरह से देंगे। और साथ में हम सभी को समान रूप से, आज न्याय की जरूरत है तो न्याय और सुरक्षा भी का अधिकार भी हम लोग देंगे। और साथ में जो काशीराम ने कहा, हम भी उसी बात को कह रहे हैं कि आज हम प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए कर रहे थे कि हम उनका आशीर्वाद लें, उनका आदर्शों पर चलें, तो हमने जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले, तो ये बात सारी खत्म हो जाती है। और साथ में अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मैं पूर्वी दिल्ली से एक उम्मीदवार हूं, मैं संसद का उम्मीदवार बनने जा रहा हूं, तो मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि दुआ जी आप जीत जाएंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं बता दूं उसका एजेंडा है, और उसके लिए एफिडेविट हम भर रहे हैं, शपथ पत्र भर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे, अगर नहीं किया तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, मेरे हमेशा के लिए चुनाव पे बंदिश होगा और हमारी पार्टी पे बैंड हो जाएगा। तो ये हम वादा लेके चलें, जो जो पार्टी करें वो वादा है कि जमुना का सौंदर्यीकरण टेम्स नदी की तरह हम करेंगे, जमुना के किनारे फिल्म सिटी, व्यापार हब, प्रोफेशनल हब, रेली पटरी हब और मनोरंजन केंद्र खोलवाएंगे, जिससे हमारा शान बढ़ेगा भारत की राजधानी में। हमारे जमुना के किनारे विश्व स्तरीय वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और सभी बेरोजगारों को रोजगार, बेघर को घर और बेसहारा को सहारा देंगे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एक समान हो, 24 घंटा बिजली हो, जल हो, स्वच्छता हो, सफाई हो, और परिवहन भी 3 शिफ्ट में हो, जैसे पेरिस में, जैसे न्यूयॉर्क में चलता है, वैसे ही हमारे दिल्ली को खूबसूरत बनाए, जिससे पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो और हमें विदेशी मुद्रा मिले इतना कि हम कोई लोग भी गरीब ना हो। और उसके लिए हमने कहा, डॉक्टर दुआ ने कहा कि हम आर्थिक आज़ादी हर नौजवानों को देंगे, और सभी समस्या का जो निदान, जो ऑफिस में लोग भागते रहते हैं
और भ्रष्टाचार करते हैं उससे निदान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करेंगे। यही आज हमारा मुख्य मुद्दा था, साथ में जो तमाम समस्याएं देख रहे हैं, जिस तरह से हमें रोका और टोका जा रहा है, जिस तरह से किसानों को टोका जा रहा है, जिस तरह से आंदोलन को टोका जा रहा है, उसकी भी हम लोग जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और चुनाव निष्पक्ष हो उसके लिए हम EVM को बंद कर करके अब बैलेट की मांग कर रहे हैं और उस पर लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।